नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। थाना बहादुराबाद में 5 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीओ बहादुराबाद विजेंद्र दत्त डोवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादुराबाद थाने में 2 महिला पुलिसकर्मी और 3 पुरुष पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश अनुसार फायर सर्विस यूनिट के द्वारा सभी थाना चौकियों को सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को एहतियात बरतने के साथ साथ फेस शील्ड उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकेगी। सीओ विजेंद्र डोवाल जीरो जोन में उतरकर कोरोना संक्रमण के प्रति स्थानीय लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। वर्तमान समय में जैसे कि पुलिसकर्मियों की लगातार ड्यूटी चल रही है और कोरोना संक्रमण का काफ़ी प्रकोप है, तो थाना बहादुराबाद में कुल हमारे इस समय 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 2 हमारी महिला कांस्टेबल हैं और 3 पुरुष कांस्टेबल हैं। यह थाने के सैनिटाइज करने के लिए हमारी जो फायर सर्विस है, इसकी गाड़ी हमारी लगातार आती रहती है। SSP साहब के तरफ से भी ये निर्देश हैं कि थानों को लगातार सैनिटाइज करवाया जाता रहे। लोकल स्तर पे भी हम सैनिटाइज करते हैं और फायर सर्विस की गाड़ियां भी हमारी आती हैं। इसके अलावा SSP साहब की तरफ से काफ़ी संख्या में शील्ड भी प्रदान की गई हैं और जो कर्मचारी हमारे हैं ड्यूटी के दौरान, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो शील्ड का इस्तेमाल करें और अपना भी बचाव करें, ड्यूटी के साथ साथ अपना भी बचाव करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे वांछित और अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान में कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कुछ दिनों पहले कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हुई डकैती के मामले में वांछित चल रहा था आरोपी रमन कपूर उर्फ जिमी निवासी सेठवाल थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पीलीभीत से धर दबोचा है। इधर कोतवाल संजय कुमार का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये हमारे हाथ नहीं लग पा रहा था। हमने टीम बनाकर मुखबिर की खास मदद से उसे पीलीभीत उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर कार्रवाई कर उसे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। ऋषिकेश में लगातार COVID-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में मरने वाले संक्रमित मरीजों के कपड़े परिजन देहरादून रोड स्थित मोर के पास जंगल में फेंक रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। मामला संज्ञान में आया तो नगर निगम के महापौर ने रेंज को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं रेंज में भी अपने स्तर से मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि संक्रमित मरीजों के कपड़े जंगल में पड़े होने से संक्रमण का खतरा तो बढ़ेगा ही, बल्कि कपड़ों के निस्तारण की समस्या भी खड़ी हो गई है। ऐसे में मामला संज्ञान में आने के बाद नगर निगम की टीम और वन विभाग की टीम संक्रमित कपड़ों का देर शाम तक निस्तारण करने के प्रयास में जुटी हुई है। रेंजर ने बताया कि क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है, जिससे कि ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा सके कि जो जंगल में संक्रमित मरीजों के कपड़े फेंक रहे हैं। पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ वन विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा। पथी थाना क्षेत्र के गांव घिसुपुरा में मेडिकल संचालक ने नाबालिग युवती से कई बार दुष्कर्म किया। मेडिकल संचालक पर थाना पथरी पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि एक नाबालिग युवती को मेडिकल स्टोर के संचालक ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ काफी समय से दुष्कर्म करता चला रहा था। युवती के पिता ने मंगलवार को मेडिकल स्टोर संचालक के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हल्द्वानी के मुख्य बाजार पटेल चौक पर अंसारी फर्निसिंग में भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखे कपड़े, बेडशीट, तकिया, पिलो के गद्दे सहित भारी मात्रा में कपड़े का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। गनीमत रही कि समय से दमकल विभाग की गाड़ी पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आसपास की कई दुकानें जलकर राख हो सकती थी। आग से करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के लोगों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बताया जा रहा है कि कोविड कर्फ्यू के चलते दुकानें पिछले कई दिनों से बंद हैं। दुकानों से धुआं उठता देख लोगों ने दुकान स्वामी को सूचित किया। दुकान स्वामी के पहुंचने से पहले ही दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। हालांकि आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पौड़ी में कोरोना महामारी से निपटना जहां एक चुनौती बना हुआ है, तो वहीं इस महामारी भरे दौर में विटामिन सी रहित फलों की दोगुनी महंगे दामों में सब्जियां और फल विक्रेता बेचकर जनता के पैसों को जमकर डका रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन इससे अवगत नहीं है। दरअसल यहां कोरोना काल में विटामिन सी फलों की डिमांड लोग अधिक करने लगे हैं। ऐसे में सब्जी फल विक्रेता मनमर्जी के दामों पर नींबू और तमाम तरह के विटामिन सी जैसे फल और सब्जियों को इन दिनों विक्रेता जमकर दोगुने दाम में बेच रहे हैं और जनता की मजबूरी का फायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ जिस नींबू के दाम चंद रोज पहले 150 रुपये किलो हुआ करते थे, उसके दामों में अब दोगुनी तेजी हमें देखने के लिए मिली है। अब 300 रुपये किलो ये बिक रहे हैं। कुछ ऐसे ही और विटामिन सी रहित फल और सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता में काफी रोष है।
सतपुली क्षेत्र में अचानक एक व्यक्ति के घर में रखे गैस सिलेंडर के लीक होने से सिलेंडरों में आग लगने के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में घटना की सूचना पुलिस थाने में दी गई, जिस पर सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सतपुली के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गैस सिलेंडर पर लगी आग पर काबू पाया, जबकि लीकेज सिलेंडर को काफी दूर ले जाकर छोड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे अचानक जगदीश प्रसाद के घर में गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसके बाद उनके द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने सतपुली थाने में सूचना दी। कालाडूंगी विधानसभा के ग्राम चकलुआ स्थित लगे ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट का भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां के टेक्नीशियन प्रभारी और उत्तराखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की वार्ता भी किया और इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 900 सिलेंडरों का उत्पादन कर क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है, जिसका भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को गर्मी के कार्य करते देख कहा कि तुरंत ही इन्हें सीलिंग फैन दी जाए। इतना ही नहीं, 2 सीलिंग फैन उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल जी को सौंपे गए और प्लांट में लगाकर मजदूरों को गर्मी से बचाव की बात कही गई। इस अवसर पर मोहन खुलिया यामेंद्र डसीला मौजूद रहे। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।